लेना चाहिए। हमारा परिवार बड़ा और हमें बड़ी खुशी है, मुझे अकेले व्यक्ति को खुशी बहुत ज्यादा है कि हमारा परिवार बड़ा है, एक सम्मानित विधायक पार्टी में आया है, हमें बड़ी खुशी है। जहां तक मानचंद की बात है, चुनाव की बात है, ठीक है, अभी चुनाव 2-3 महीने है, वो पार्टी का जो भी निर्णय होगा सिरोधारी है। हाँ, जब तक व्यक्तिगत बात है कि चुनाव लड़ना तो मालचंद चुनाव लड़ेगा, इतना ही है। इसके लिए थोड़ा सा भी मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है और पार्टी मेरे पक्ष में निर्णय लेगी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा काम कोई काम ही नहीं किया कि मेरा टिकट काटेंगे तो बेस होना चाहिए। आज भी अगर चाहें तो पार्टी सर्वे करा रही, मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम कहीं ना कहीं होगा और लोगों का बड़ा अपार। मैं 2002 से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी और ऋणी हूँ और जीवन भर रहूँगा। अपनी पार्टी और अपने विधानसभा के समस्त मेरे जो मार्गदर्शक हैं, जिनकी कृपा से मैं आगे बढ़ा, उन सबको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, राम मंदिर हो या अपने स्थानीय मंदिर हो, निश्चित रूप से उनको बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और अपने रीति रिवाज, अपनी जो प्रथाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और कहीं पर भी बाल बराबर भी कहीं पार्टी से बाहर इडिंग नहीं हुआ। 2007 में मेरा टिकट काट दिया, पार्टी का निर्णय है, कटता रहता है, सबके टिकट कटते हैं, सबको फिर मिल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। 2012 में बम्फर वोटों से जीता, 2002 में बम्फर वोटों से जीता, 2017 में मुझे प्रत्याशी बनाया। किन्हीं कारण बस हमेशा कोई जरूरी है कि जीती होती है, मैं चुनाव हार गया, लेकिन लगातार सेवा करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा। 2017 में अभी जब सरकार किन्हीं कारणों बस गिर गई थी, तो अकेले मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विश्वास करते हुए मेरा फोन खुला रखा और बखूबी से मैंने पार्टी का साथ दिया, ईमानदारी से दिया, देता रहूँगा। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए थे, मुझे बड़े बड़े लालच आए, लेकिन कहीं पर भी बाल बराबर के बराबर भी अपने तन मन धन मन को कहीं भी मतलब डोलने का प्रयास नहीं किया। जबकि अनुसूचित जाति व्यक्ति के लिए पैसे का लालच देने की बात अगर करें तो निश्चित रूप से हमको ये माना जाता है कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसको खरीद लो, इसकी लालच में इसको डाल दो, तो करोड़ों रुपए का लालच आया। लेकिन कहीं पर भी हमने कहा कि भैया मालचंद को ईमान को खरीद नहीं सकते, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूँगा, ये मेरा कहना है। लेकिन मूल रूप से मेरा विधानसभा पुरला के सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, चुनाव जीतेंगे, हमको टिकट मिलेगा। मैं राजकुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल करके जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।